हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ कस्टर्ड पाउडर हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनने में मुश्किल से आधे घंटे लगते हैं और ये फटाफट बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कस्टर्ड पाउडर हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वनीला वाला कस्टर्ड पाउडर है। सबसे पहले हम इस कस्टर्ड पाउडर का एक घोल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 50 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लिया है, तो यहाँ मैंने 50 ग्राम पानी भी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक पतला घोल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड का घोल बना लिया है। यहाँ मैंने 50 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लिया था, तो 50 ग्राम मेरा पानी भी लगा है। अब इस घोल को अलग रख देते हैं और कस्टर्ड हलवे के लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी लिया है। 1 कप चीनी में मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाल दिया। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे चीनी को गलने देते हैं, इसे चला देते हैं। चीनी को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक चीनी गल ना जाए। चीनी को हम बीच बीच में चला देंगे जब तक ये गल ना जाए। जब तक हमारी चीनी गल रही है, तब तक जिस ट्रे में हमें हलवे को जमाना है उसमें हम घी लगा देते हैं। प्लेट में मैंने घी ले लिया है, इसे अच्छे से लगा लेते हैं। चारों कोनों पर भी हम अच्छे से लगा लेंगे। ये हमारा ट्रे तैयार हो गया है। हमारी सारी चीनी गल गई है, हमें इसे किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी गल जाए बस। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। चीनी सारी गल चुकी है, अब मैंने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और इसमें कस्टर्ड जो मैंने घोल बना कर रखा था उसे डालेंगे। इसे डालने से पहले एक बार फिर से घोल लेंगे, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। हम इसे डालते हुए बराबर चलाते रहेंगे। इसे बराबर चलाते रहना है और हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ सकता है, कढ़ाई में भी बहुत जल्दी लग जाएगा ये और गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी इसमें। ये हमारा कस्टर्ड पकने लगा है। देखिए इसमें थोड़े थोड़े बाल इसमें अलग अलग होने लगे हैं, ये गाढ़ा होने लगा है। और इसे बराबर चलाते रहेंगे ऐसे ही। ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें घी डालकर पकाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा घी करके डालेंगे, एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे। थोड़ी देर बाद घी गलने के बाद इसे फिर से घी डाल देंगे। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बाकी बचा हुआ घी है उसे भी हम डाल देंगे। इसमें घी भी हमारा लगभग 50 ग्राम के लगभग लगा है। मैंने यहाँ पे काजू काट कर रखे हैं, इसे डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है, इसे भी डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं।
और इसे आधे मिनट के लिए हम बराबर चलाते हुए पका लेंगे। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है और हम इसे घी लगी हुई प्लेट में फैला देंगे। मैंने सारे हलवे को ट्रे में फैला लिया है। अब इसके ऊपर बादाम मैंने काट कर रखा है, उसे डाल देते हैं। थोड़ी सी किशमिश, ये चीज़ों को अच्छे से सेट कर देते हैं इसमें और इसे एक घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा हलवा जम चुका है, हम इसे काट लेते हैं। मैंने इसमें से एक पीस निकाल दिया है, देखिए बिल्कुल जेली की तरह बना हुआ है ये, और बहुत ही सॉफ्ट है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है। इस मिठाई को बनने में बस आधे घंटे ही लगते हैं और ये फटाफट बनकर तैयार भी हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। सारे पीस को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। जी दोस्तों, यहाँ मेरा कस्टर्ड पाउडर का हलवा बनकर तैयार है। ये बिल्कुल जेली की तरह बना रहता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है खाने में और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में। दोस्तों, इस हलवे की एक सीक्रेट बात यह है कि अगर जिसके दांत भी ना हो वो भी इस हलवे को बड़े आराम से खा सकता है।